कर रहा हूं गाइस, बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमारे चल रहा था। यस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाले बच्चे, दिस साइड सीएससीएस हरीश मतारिया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विश्रांत वाड़ी वाड़ी। यस और नो, सो ध्यान देना। बीआरएस के अंदर मैंने क्या क्या देखा था? बीआरएस बेसिकली मेमोरेंडा स्टेटमेंट, जो अपने को मदद कर रहा है, जो अपने को मदद कर रहा है किस चीज में? बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, है ना। बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक यानी क्या रे बाबा? कैश बुक। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक यानी कैश बुक। अगर बीआरएस टॉपिक में कैश बुक वर्ड बोला तो समझ जाना कैश बुक का मतलब है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, है ना। और पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। लेफ्ट हैंड पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट, अपनी गवर्न लैंग्वेज में एटीएम बैलेंस, एक्चुअल बैंक बैलेंस। और ये कैशबुक यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक का बैलेंस है, और पासबुक यानी एक्चुअल बैंक बैलेंस। अब क्या होता है, रेयरली ये टैली होते हैं, मतलब इसके अंदर में हमेशा क्या आता है? डिफरेंसेस, या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा। इसके अलावा कोई तीसरी चीज हो सकती है क्या? ऐसे होगा क्या? नो, या तो ऐसे या तो ऐसे। और इसके बीच में अगर डिफरेंसेस है, कैशबुक और पासबुक के बीच में अगर डिफरेंसेस है, तो हम लोग उन डिफरेंसेस के पीछे की वजह कैसे समझते हैं? ध्यान देना, उस डिफरेंसेस के पीछे की वजह हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ बीआरएस। यस और नो? सो बीआरएस इज द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक एंड पासबुक। राइट हैंड कैशबुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। हम लोग क्या करते हैं बेटा बीआरएस टॉपिक के अंदर में? मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जब भी हम लोग बीआरएस टॉपिक पढ़ते हैं मुन्ना, तो हम लोग वहां पे सिंपल सी ये तीन स्टेप फॉलो करते हैं बेटा। कितनी स्टेप्स है? तीन स्टेप्स है। यस और नो? ये तीन स्टेप है, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू एंड स्टेप नंबर थ्री। तीन स्टेप है और दो रूल है, दो रूल में से मैंने एक रूल आपको बता दिया था, और इसके अलावा बीआरएस टॉपिक के अंदर में कुछ नहीं है। उन्हें ध्यान देना सब लोग, अब आ जाओ। सो बेटा देखो तो, सो कौन सी तीन स्टेप है? जब भी बीआरएस की बात आएगी उन्हें ध्यान दे, जब भी बीआरएस की बात आएगी तो हमने सोचना है कि फर्स्ट स्टेप कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, यस और नो? सेकेंड स्टेप, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उस इंफॉर्मेशन को पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो, और कैशबुक और पासबुक की न्यू पोजीशन पे आ जाओ। और न्यू पोजीशन पे एक बार आ गए, खेल खत्म। फिर क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाना है, और कुछ है नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। इसी केस में अगर स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो यहां पहुंचना है, इसको फिक्स करो, लेस करो। सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो स्टार मार्क लगा के रखा सेकेंड स्टेप पे कल ही। सो थर्ड स्टेप क्या है? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। ए हेलो राजेश खन्ना, बरोबर ना? समझ में आया ना बेटा तेरे को? ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड वाले बच्चे, किसको एडजस्ट करना है? स्टार्टिंग पॉइंट को। फर्स्ट स्टेप कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ द कैशबुक एंड पासबुक, एंड थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स इट। और इसके अलावा बीआरएस में कुछ नहीं। अब जब हम लोग न्यू पोजीशन पे आते हैं, तो न्यू पोजीशन पे आते समय हमारे बैक ऑफ द माइंड में दो रूल होने चाहिए। रूल नंबर वन, जब भी पासबुक में अगर बैंक कोई डायरेक्टली एंट्री कर रही है, बैंक अगर पासबुक में कुछ कर रही है, तो उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है। अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दिया, हाँ अगर क्वेश्चन में बोला है कि इसका इफेक्ट पासबुक में भी हो गया, कैशबुक में भी हो गया, तो समझना हो गया। अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दिया है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि अगर कोई ऐसी एंट्री है जो सिर्फ पासबुक में हुई है डायरेक्टली, बैंक वालों ने कहाँ पे किया है? पासबुक में। तो समझ जाना उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, यानी कैशबुक वहीं खड़ा है। बस ये एक पहला रूल था। दूसरा रूल अभी तक हमने देखा नहीं, बताऊंगा समय आने पर। सिंपल है यहाँ तक, 95% बीआरएस आपका कवर हो गया कल के लेक्चर में। बस अब हम लोगों को इसकी बहुत सारी एडजस्टमेंट और क्या करना है प्रैक्टिस। सर इसमें भी एडजस्टमेंट है? अरे नहीं, एडजस्टमेंट आई तो भी अपना रूल कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है? रूल आग बन करके फॉलो करना है। और जो आपके मन में तूफान चलते रहता है कि सर बीआरएस के अंदर में हमने, आपने बोला था ये कैशबुक हिला दिया, आपने पासबुक हिला दिया, तो हम क्या बैंक में जाकर के पासबुक में थोड़ी चेंज कर रहे हैं? हम लोग एक हमारे स्टेटमेंट के अंदर में कैशबुक पासबुक प्लस माइनस कर रहे हैं। सर क्यों कर रहे हैं? जस्ट आपके बॉस को समझाने के लिए, और डिफरेंसेस क्यों आए समझाना पड़ेगा ना कि सर ये डिफरेंस आया है। एक किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, सर हमारा एटीएम बैलेंस बढ़ गया, लेकिन सर ये बात हमें नहीं पता थी, इसीलिए अभी तक हमारे बुक्स में इसकी एंट्री नहीं आई है। समझ में आया क्या? सर रिकंसाइल करना है, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, ऐड करो, इसी में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, लेस करो, स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाना है हर बार।
बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए सर, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, तो मेरा एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड यानी एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड कम हो गया सर, और इसका इफेक्ट सर अभी तक के कैशबुक में नहीं आया सर, यस और नो, इसीलिए डिफरेंस आया सर। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड, इसी में स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो लेस करेंगे सर, जस्ट टू रिकनसाइल, आपको बता रहा हूं सर। हमने हमारे एम्प्लॉय को चेक इशू किया सर, चेक इशू किया तो कैशबुक कम हो गया सर, लेकिन वो एम्प्लॉय का पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, वो चेक बैंक में लगा ही नहीं पाया, इसलिए हमारा एटीएम बैलेंस अभी तक कम नहीं हुआ सर। आ गया न्यू पोजिशन, स्टार्टिंग पॉइंट इसमें कैशबुक है तो ऐड, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस। कुछ बात समझ आ रही? कुछ नहीं, बस यही है। बीआरएस में चीजों को आसान करना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और एक बार वो चीज आसान हो गई तो फिर उसमें कुछ बचा नहीं। एप्पल ने क्या किया, चीजों को आसानी तो किया है, लाइफ सॉर्टेड, एक ही बटन, अब तो वो बटन भी नहीं है, पहले तो एप्पल में एक ही बटन रहता था ना, अब तो वो भी नहीं है। एप्पल ने क्या किया, अच्छा एंड्रॉयड ने भी चीजों को आसान किया, आपको क्या चाहिए वो फोन को पता है अगली स्टेप, तो बरबर उस हिसाब से सारे ऑप्शंस देते रहता, उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं यूजर इंटरफेस का, चीजों को आसान करने का, अमेजोन का ऐप। आपको बताया, जब आप अभी यहां पे बैठे हो, मेरा फोन अभी ये स्क्रीन ऐसी ऑफ करके मैंने रखी है बेटा, है ना, आप बैठे हो, आप अगर हम और आप बातें कर रहे हैं बीएमडब्ल्यू कार की, उसके बाद फेसबुक ओपन करूंगा तो बीएमडब्ल्यू कार की ऐड आएगी, ये फोन आपकी बातें सुनता है, आप अलाउ करते हो ना, बहुत बार ऐप इंस्टॉल करते हो, अलाउ 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 परमिशन, तो उसमें एक परमिशन भी रहती है, वो आपकी बात सुन के रिकॉर्ड भी कर सकता है, आपने अथॉरिटी दी है। और जब आप अमेजोन ओपन करते हो, आपको मालूम है अमेजोन आपने ओपन किया, आपने कोई चीज़ सर्च किया, टीवी है ना, एलईडी टीवी, तो अमेजोन अगला ऑप्शन क्या देता है आपको एलईडी टीवी के साथ, उसको मालूम है स्पीकर भी लगेगा, वॉल माउंट स्टैंड भी लगेगा, या टीवी की और कोई सर्विस भी लगी, देखो सारी चीजें उसके साथ साथ आती रहती, सिमिलर आइटम्स ऑल्सो बॉट बाय द अदर्स, बराबर है, कितना बढ़िया यूजर इंटरफेस। उसको पता है अमेजोन को कि इसको और क्या क्या लगने वाला है टीवी के साथ, और टीवी के साथ आपको अमेजोन वाला नेटफ्लिक्स की भी ऐड दे देता है, मालूम है टीवी लिया तो खाली डब्बा थोड़ी लेगा, नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ तो लेगा ना, यस और नो, तो देखो क्या बढ़िया यूजर इंटरफेस है। बट इस चीज को आसान करने में उनको बहुत मेहनत लगी होगी, आपको लग रहा है कितनी आसानी से काम हो गया, बट नहीं तो सोचो ना, अमेजोन की खुद की कोई दुकान है क्या, या खुद का कोई प्रोडक्ट है क्या, उसने कस्टमर को सेलर को मिलवा दिया, ये काम क्या हर कोई नहीं कर सकता है। आपके अगर जान पहचान वाला अभी अभी नया नया कौला कौला भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, तो वो भी ऐसा ऐप बना सकता है ना, कि जहाँ पे सेलर कस्टमर मिल सकते, बना सकता है, वो भी बना सकता है कि नहीं, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन उसमें जो कंसिस्टेंसी है, जो इजीनेस है, जो अमेजोन ने लेके आई, बाकी और कोई लेके आ सकता है क्या ये? तो अच्छा व्हाट्सएप चैट वाला ऐप है, चैट तो अपने ऐप में भी होती है, अपन भी व्हाट्सएप के जैसा ऐप बना सकते हैं ना, 2 लाख रुपए में बन जाता है, बट वो अपना ऐप कोई डाउनलोड करेगा क्या, व्हाट्सएप का डाउनलोड करेगा? व्हाट्सएप पे कितना बढ़िया यूजर इंटरफेस है, टेक्स्ट मैसेज से जल्दी आप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज में आप ओपन करके टाइप करके भेजोगे, उससे जल्दी व्हाट्सएप में होता है कि नहीं होता है, ऑडियो वीडियो खटाखट खटाखट, कितने सारे फीचर्स ऐड कर दिए, यूजर इंटरफेस अच्छा है, वो सारा खेल वही है। आपने भी जीवन में क्या करना है, जब भी आप किसी से बात करो तो एकदम सिंप्लीफाइड रह के बात करना है, आप बात करो तो 4 लोग आपकी बात सुनना चाहिए, अगर आप बात कर रहे हो और आपके ग्रुप में आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है तो समझ जाना आपकी इज्जत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, जब बोलते हैं तो ग्रुप पे अगले रोज नुस्ता बड़बड़ कर, रोज ही बोलते हैं, कोई सुनता नहीं, पर वही ग्रुप में एक ऐसा भी लड़का है लड़की होती है, वो जब बोलता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं, यस और नो। तो आपने क्या करना है, अपना यूजर इंटरफेस एकदम स्ट्रांग करके रखना है, यस और नो। चलो ठीक है, खैर कोई दिन और बताऊंगा, मुन्ना ध्यान देना। सो बीआरएस टॉपिक के अंदर में 3 स्टेप है और 2 रूल है, 2 में से 1 रूल हमने देख लिया, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, याद आ रहा है क्या सभी को? आ जाओ चलो थोड़ी सी आगे और बातें बढ़ाता हूं मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हर कोई नोट्स मेंटेन कर रहा है, हर कोई मेरे बताए हुए नक्शे कदम पे चल रहा है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपको आज भी याद है ऐसा मैं सोच रहा हूँ, राइट? क्या मैं गलत हूँ? वेरी गुड, चलो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। चल एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे बेटा, देख क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया है ₹1,000। उसके बाद लिखो, आइटम लिखवा के दे रहा हूँ, है ना, वन बाय वन। क्या दिया इस बार? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक बैलेंस। चल ध्यान देना। उसके बाद लिखो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 20। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 20। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू आवर बैंक ₹100। बिल डिस ₹200। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओहो, चेक इशू किया लेकिन कैश बुक में लिखना ही भूल गए। अपने को क्या, घबराना नहीं है, अपना स्टेप्स और रूल है ना। आज दूसरा रूल भी आपको बताने जा रहा हूँ आज। उसके बाद कैश रिसीव्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 50। कितना बेटा? 50। उसके बाद बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कल और आज के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में से 6 में से 3 नंबर कवर हो गए, समझ लो। मैक्सिमम एडजस्टमेंट अपन कल और आज के क्वेश्चन में लेंगे और फिर बाकी ऐसा समझो 70% हो जाएगी। फिर 30% जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है वो रिमेनिंग लेक्चर्स में। उसके बाद आगे लिखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक इन अनदर कस्टमर्स अकाउंट ₹200। हमने कैश डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक वालों ने किसी और कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। अरे रे रे, कैश किसने डिपॉजिट किया? हमने। किसके अकाउंट में आना चाहिए था? हमारे। वो पैसा बैंक ने गलती से किसी दूसरे कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फाइंड आउट बैलेंस एज पर
कैश बुक, पासबुक का बैलेंस तो दिया है ना, पासबुक का बैलेंस दिया है पहले पॉइंट में, क्या पूछा है? कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बताओ अब तुम? पासबुक। पूछा क्या है, कहाँ जाना है? कैश बुक पे। क्लियर है? सब लोग अच्छे से ध्यान देना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड है या थर्ड है? थर्ड है। ओके, सो सॉरी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये थर्ड लेक्चर है, राइट? अच्छे से ध्यान देना बेटा। सर और कितने लेक्चर चलेगा ये? और चलेगा ये 1 2 3, तीन लेक्चर और चलेगा BRS। आखिरी के दो लेक्चर में हम लोग इसके करेंगे बहुत सारे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? आ जाओ मुन्ना, अच्छे से ध्यान दे दे, है ना? एक दो, एडजस्टेड कैश बुक, तीन, चार, तीन नहीं चार लेक्चर, बराबर है? कितने लेक्चर चलने वाला है? चार लेक्चर। डन, आ जाओ मुन्ना, अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको BRS की मदद से क्या करना है? बैलेंस एज पर कैश बुक कैलकुलेट करना है। डन। स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे दिया है? पासबुक का बैलेंस। सो मैं लिख लूँ क्या? देखो तो जरा, अब मैं BRS बना रहा हूँ। ए बेटा प्लीज ध्यान देना, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, सो मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या आंसर लिखता हूँ रेड कलर के पेन से, है ना? मैं BRS बना रहा हूँ बेटा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया है बेटा? 1000। कितना दिया है मुन्ना? 1000, ठीक है, लिख दिया, किसी कोई तकलीफ है? उसके बाद चलो एडलिस्ट करना शुरू करते हैं। अब ले देखो, तो सेकेंड वाला, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया ना, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। अब ये बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक है ना, मैं वापस सेंटेंस नहीं लिखता हूँ इसलिए मैंने लाइन मार दिया। देखो सेकेंड नंबर वाला सेंटेंस आपने लिखना है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। चलो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक दे दिया है और हम लोगों को BRS प्रिपेयर करना है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप क्या है? कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, बरोबर। सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, याद आ रही बेटा स्टेप्स? एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, राइट? फर्स्ट स्टेप इक्वल लेवल पे आ गया। सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है बता दो बेटा? इंफॉर्मेशन लिखा है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 20, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 20। चलो बताओ तो मुझे, फर्स्ट स्टेप इक्वल है कैश बुक पासबुक के लेवल पे, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ लो, एनालाइज कर लो और न्यू पोजीशन पे आ जाओ कैश बुक और पासबुक पे। क्या लिखा है? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक वालों ने चार्जेस कहाँ डेबिट किए? अब ये बोलने की जरूरत थी क्या, डेबिटेड इन पासबुक? ये तो हमें भी मालूम है, बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? पासबुक में। कशल संगाई गरज होती बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, नहीं भी बोलते, बस इतना भी बोल देते थे बैंक चार्जेस 20, तो भी हम लोग समझ जाते थे बैंक वालों ने कुछ भी किया तो कहां करेगी, हमारे घर में घुस के कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में, बराबर। सो बैंक वालों ने पासबुक में चार्जेस डेबिट किए, पासबुक में डेबिट किया, रुको, पासबुक में डेबिट किया है मुझे पता नहीं, दिमाग मत लगाओ। कैश बुक में डेबिट याने बढ़ना, उल्टा पासबुक में डेबिट याने कम। हाँ, पासबुक में डेबिट किया ने बैंक वालों ने पासबुक को क्या किया? कम। जिस किसी का आज का BRS का फर्स्ट लेक्चर है मुन्ना, आपको समझ में नहीं आएगा, जो भी बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन देख रहा है, और यही सही है कि आपको समझ में ना आए, समझ में आए क्या? और ये बिल्कुल सही है, अगर आप थर्ड लेक्चर, आप आज तीसरा लेक्चर है, और अगर बच्चा कोई पहली बार देख रहा है और बोल रहा है हाँ सर समझ में आ रहा है, या तो हम सब पागल है जो 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, बराबर है, या तो जो बच्चा बोल रहा है सब समझ में आ रहा है तो वो पागल है। क्लियर है क्या? सो तीसरा, आज मेरा तीसरा लेक्चर है, और अगर बच्चा जीवन में पहली बार देख रहा है और बोल रहा है तीसरे लेक्चर में फर्स्ट टाइम देख करके बोल रहा है समझ में आ रहा है, गलत है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो सही रहे हो, किसी बच्चे का पहला लेक्चर है, पहले देख उसको समझ में आना चाहिए, बदल हेलो हेलो हेलो। चल देखो, ध्यान देना बेटा। हेलो हेलो हेलो। हाँ मुन्ना, सो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए 20, कहाँ लगाए रे बेटा? पासबुक में लगाए होंगे। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने पासबुक को डेबिट किया, रुको, कैशबुक में डेबिट याने बढ़ना, पासबुक में डेबिट याने कम होना।
सो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम कर दिया। रूल नंबर वन, बैंक वाले जब भी पासबुक में डायरेक्टली या पहले बैंक वाले पासबुक में अगर कुछ करते हैं, एनी डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, समझ जाओ उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, इसलिए यही खड़ा है। गेम ओवर, आगे न्यू पोजिशन। बोलो थर्ड स्टेप क्या है, बोलो थर्ड स्टेप क्या है, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसमें, स्टार्टिंग पॉइंट इस क्वेश्चन में पासबुक है, पहुंचना है कैशबुक पे, जहां पहुंचना है उसको अभी हिलेगा क्या, अब रिकनसेल करना है तो इसी को ऊपर लाना है, ऊपर लाना है तो प्लस करो क्या, सो प्लस 20। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू आवर बैंक ₹100, मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में डिपॉजिट किया, यस और नो, प्लीज ध्यान देना, डोंट वरी। कोई ऐसा बच्चा है जिसका आज फर्स्ट डे क्लास में, आपका है, आपका फर्स्ट डे इस टॉपिक में, फर्स्ट डे, और कोई है, और कोई इधर बेटा, आप सब लोगों का, आपका भी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, समझ में आ रही थोड़ी बहुत चीजें, नहीं समझ में आ रहे, पहला डे मिस हुआ था क्या, सेकेंड डे मिस हो गया, सो सेकेंड डे ही तो सारा रूल बताया, फर्स्ट डे तो सिर्फ हमने देखा था, डोंट वरी, आप और आप लेक्चर होने के बाद 2 सेकेंड मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा करना क्या है, तो ठीक है, है ना, भूलना मत, भूलना मत, ठीक है, आ जाओ। सो मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, सो क्या था बेटा, फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकेंड स्टेप, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अवर कस्टमर इनटू अवर बैंक, मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, डायरेक्टली या तो गूगल पे किया होगा, मुझे मालूम नहीं है, है ना, क्योंकि कोई ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मैसेज बैंकिंग नहीं है, या बैंक में जाके कैश डिपॉजिट किया होगा, तो मेरे बैंक में पैसा डाला तो मेरा एटीएम बैलेंस यानी पासबुक बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, ओके ओके। अच्छा, रूल नंबर वन, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग, ये यही खड़ा है, गेम ओवर, सेकेंड स्टेप खत्म। अब बोलो थर्ड स्टेप, बच्चे घाई करते एकदम से, अब बोलो थर्ड स्टेप क्या है, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, रुको, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, इस क्वेश्चन में पासबुक, पहुंचना कहाँ है, फिक्स करो, लेस करो। अब कुछ बच्चे सोच रहे सर पहले पासबुक बढ़ाया फिर माइनस किया फिर करे, हाँ पहले बताया था, दिमाग नहीं लगाना, पहले 3-4 दिन सिर्फ चीजें जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूं वो फॉलो करो, स्टेप्स फॉलो किया तो आप चाह के भी गलती नहीं कर पाओगे। बोल बेटा कितना है यहाँ पे, माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दो। नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक ₹200, बिल डिस्काउंट करवाया बैंक में जाकर के, बोल रहे बेटा बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक कैसे करेंगे, हाँ एनीबडी, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बोलो बिल डिस्काउंट करना मतलब क्या होता है, पहले एक बार समझ लो, पहले समझ लो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा टॉपिक, है ना, बट अभी थोड़ी सी हिंट देता हूँ, आगे एक टॉपिक आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बराबर है, बट उसके पहले थोड़ी सी हिंट देता हूँ। एक बिल रिसीवेबल नाम की मेरे पास असेट है, देखो ये ए ने बी को उधारी में माल बेचा, ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं था, ए ने बी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, बी ने उस डॉक्यूमेंट को क्या किया, एक्सेप्ट किया, साइन किया, अब ये डॉक्यूमेंट बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ए के पास ही आ गया तो ए के लिए हो गया बिल रिसीवेबल, है ना, और बी के लिए क्या हो गया, बिल पेएबल। डोंट वरी, ये कॉन्सेप्ट आगे टॉपिक में आएगा, सब इतना ध्यान देना मैं क्यों लिखा रहा हूं। अब इसका ड्यूरेशन था 3 महीना, अब ए बोल रहा है मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मैं 3 महीने तक के उस बिल रिसीवेबल के पैसे आने का वेट करूं, बी ने प्रॉमिस किया था या बी के ऊपर हमने ऑर्डर दिया था, हमने बोला था भाई तुझे पैसे देना है 3 महीने में, वो तू देगा, अब बी ने बोला सबूत क्या, ए ने बोला सबूत क्या है, तू 3 महीने बाद देगा, सर आप मेरे ऊपर एक ऑर्डर ड्राफ्ट कर लो मैं साइन करके दे देता हूँ, तो 3 महीने बाद आप वो ऑर्डर मेरे पास लेके आना मैं आपको पैसे दे दूंगा। सो ए ने बी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, बी ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके बी से हमने ले लिया, अब हमारे पास ए के पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल, अब उसकी वैल्यू कितनी है 5,000, बट कब आएगा 5,000, 3 महीने बाद, उस बिल रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है 5,000, कब आएगा 5,000, 3 महीने बाद। अब मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मुझे आज पैसों की जरूरत है, तो मैंने उस बिल रिसीवेबल नाम की असेट जा करके मैंने बैंक को बेच दिया, सो बैंक वालों को मैंने दे दिया बिल रिसीवेबल और बैंक वालों ने मुझे क्या दे दिया, पैसा, बैंक वालों को मैंने दे दिया बिल रिसीवेबल और बैंक वालों ने मुझे क्या दिया, पैसा, कितना दिया कुछ बोला नहीं तो हम लोग समझेंगे पूरे बिल का पैसा आ गया, वैसे पूरा पैसा कभी बैंक देती नहीं है, थोड़ा कट करके देती है, बट इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो मैंने बिल बैंक वालों को बेच दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। डोंट वरी, ये आगे टॉपिक आएगा।
सो यहां पे सिर्फ इतना समझो, बिल डिस्काउंटिंग यानी बैंक वालों को हमने एक असेट बेची, उस असेट का नाम था बिल रिसीवेबल। बैंक वालों को हमने एक असेट बेची, बोलो उस असेट का नाम क्या था? बिल रिसीवेबल। आगे टॉपिक है, घबराना मत। सो बिल रिसीवेबल नाम की असेट हमने बैंक वालों को बेच दिया और बैंक वालों ने हमको पैसा दिया। अच्छा, ये असेट किसने बेचा? हमने। हम गए बैंक में असेट लेके, मतलब हमें पता है क्या हो रहा है किस्सा। हम बैंक में गए, हमने बैंक वालों को बिल दिया और बैंक ने हमें पैसे दिए। कहाँ दिए हम पैसे? हमारे अकाउंट में, बरोबर है। और ये बात हमें मालूम है, हम लेके गए थे बिल, तो हमें भी पता है तब के तब पैसा आ गया। सो पासबुक भी बढ़ गया और कैशबुक भी बढ़ गया। सो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बताओ इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? हमने बैंक वालों को बिल दिया, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, एटीएम में पैसे आ गए, तब के तब तुरंत आ जाता है लाइक कैश डिपॉजिट। और हम लेके गए थे तो हमने भी एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सो यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। बोलो बीआरएस में अब आएगा क्या? जीरो। सो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक जीरो, क्योंकि कैशबुक भी बढ़ा। हम गए थे ना लेके, हम गए थे ना, हमने बेचा ना, बिल डिस्काउंटेड, अपने आप बिल चल के गया क्या? हमने बिल की बैंक ने इनवाइट किया था क्या? तुम्हारे पास बिल है तो आओ बेच दो, हम बिल लेके गए थे है ना। तो हमने बिल डिस्काउंट किया, हमने बिल बेचा, हमने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट यानी कैशबुक बढ़ा दिया और तुरंत के तुरंत इसका पैसा आ जाता है। सो बैंक वालों ने एटीएम में पासबुक में पैसा डाल दिया, तो कैशबुक भी बढ़ा, पासबुक भी बढ़ा। सो आज के बाद अगर जब भी बिल डिस्काउंटेड ये सेंटेंस आएगा तो आपने ऐसा करना, फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकेंड स्टेप रीड द इन्फॉर्मेशन। बिल डिस्काउंटेड टॉ, दोनों बढ़ गए, बिल डिस्काउंटेड टॉ। बोलो कैशबुक पासबुक में डिफरेंस है क्या? नो। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक 100। बोलो बेटा, चेक इशू किया, कैशबुक में लिखना ही भूल गए, तकलीफ हो गई, गलती हो गई कैशबुक में, कैशबुक में चेक से रिलेटेड गलती हो गई, कैशबुक में चेक से रिलेटेड गलती हो गई। अब आ रहा है रूल नंबर टू, जब भी कैशबुक में चेक से रिलेटेड अगर कोई गलती होती है, फिर से जब भी कैशबुक में चेक से रिलेटेड, कहाँ पे? कैशबुक में चेक से रिलेटेड कोई गलती होती है और वो गलती आपको क्वेश्चन में दी है, जब भी आपकी गलती होती है और वो गलती क्वेश्चन में दी है, तो आपको कहाँ से पता चले होगा वो गलती हुई है? पासबुक से ना, या छोड़ो डायरेक्टली रूल बताता हूँ, कैशबुक में चेक से रिलेटेड गलती है तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। फिर से बोलो, कैशबुक में चेक से रिलेटेड गलती है तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मतलब उसका इफेक्ट पासबुक में आ गया। फिर से, कैशबुक में जब भी चेक से रिलेटेड कोई गलती है तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। कैशबुक में जब भी चेक से रिलेटेड कोई गलती है तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। यस और नो? चलो आ जाओ, अब मैं ये रूल को ध्यान में रखते हुए पढ़ता हूँ। सर हमें क्या समझेगा कौन सा रूल कहाँ अप्लाई करना है? देखो ना, कैशबुक में चेक से रिलेटेड गलती है, चेक क्या किया हमने? चेक इशूड, बरोबर है। एक बच्चे ने बोला, सर एज डिस्काउंट बिल रिसीवेबल इंक्रीज द बैलेंस। नो वैदिक, आप है ना मेरी स्टेप्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपने आपके खुद के प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ तो आपने प्लस माइनस किया, वैसा मत करो। बिल रिसीवेबल मैंने डिस्काउंट किया, मैंने बिल रिसीवेबल डिस्काउंट किया मतलब मैंने बैंक वालों को जाकर के बिल बेचा, तो मैंने एंट्री पास किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैशबुक बढ़ गया। और जब भी हम लोग बिल डिस्काउंट करते हैं तो तुरंत के तुरंत बैंक उसका पैसा देती है, और बैंक बोरे में भर के कैश देती है क्या? नो, बैंक हमारा एटीएम बैलेंस बढ़ा देती है, पासबुक बढ़ा देती है। सो बिल डिस्काउंटेड में कैशबुक भी बढ़ा और तब के तब पासबुक भी बढ़ा। सो कैशबुक पासबुक दोनों बढ़े तो लेस क्यों होगा बेटा? ये तो टैली हो गया ना, डिफरेंस ही नहीं यहाँ पे, तो रिकंसिलिएशन में आएगा ही नहीं। क्लियर? जो मैं बोल रहा हूँ वही स्टेप्स, आपने थोड़ा सा भी मेरे स्टेप्स और प्रिंसिपल्स के खिलाफ गए तो फिर आपके मन में सवाल आएंगे, सर आप पहले बढ़ा रहे हो फिर कम कर रहे हो, एक ही बात है। सर आपने तो बोला था पासबुक में बैंक एंट्री करेगी, फिर आपने क्यों प्लस माइनस किया? मैं बैंक में घुस के पासबुक में कर रहा हूँ क्या? नो, मैं स्टेटमेंट में कर रहा हूँ बीआरएस में, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ स्टेप्स फॉलो करना एज इट इज, राइट? वैदिक समझ में आए तो प्लीज हाँ बोलो, डाउट है तो प्लीज वापस पूछो। ओके यस, आ जाओ। अब मैं फिफ्थ वाला बता रहा हूं, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। अरे रे रे रे, कैशबुक में चेक से रिलेटेड गलती हो गई है। अब आया रूल नंबर टू, आपको क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा।
अब आया बेटा आपका रूल नंबर टू, कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती है, चेक इशूड कैश बुक काम करना चाहिए था बट नहीं किया। चेक इशूड अगर यहां पे बोला नहीं रहता, आगे नॉट रिकॉर्डेड वर्ड नहीं रहता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चेक इशूड कैश बुक कम, चेक रिसीव्ड कैश बुक बढ़ा, चेक रिशूड चेक इशूड कैश बुक कम, चेक रिसीव्ड कैश बुक बढ़ा, चेक इशूड कैश बुक कम करना चाहिए था, बट आगे लिखा है बट नॉट रिकॉर्डेड, अरे वापस ऊपर लेके आ जाओ, रिकॉर्ड ही नहीं किया, लिखा है ना आगे चेक इशू किया कैश बुक कम करना चाहिए था, बट आगे लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अरे कैश बुक फिर से जगह पे आ गया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। जैसे चेक से रिलेटेड गलती हो गई, समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया, चेक क्लियर हो गया। ये कौन सा चेक था, इशूड या डिपॉजिटेड? इशूड चेक क्लियर होता है तो हमारा एटीएम बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? वेरी गुड, कम होता है। हमने किसी को चेक दिया, उसने चेक लगा दिया बैंक में, चेक क्लियर हो गया, आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। इशूड चेक क्लियर हो गया तो ये कम हो गया, खेल खत्म। अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट था पासबुक, यहां पहुंचना है, इसको फिक्स करो, अब इसको ऊपर लेके आओ। सो फिफ्थ वाला पॉइंट ऐड कर दो, वापस एक बार बताता हूं, फिफ्थ वापस सुनना। रूल नंबर टू क्या है, जब भी चेक से रिलेटेड कोई गलती होगी तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। चलो यहां पे क्या था, चेक इशूड कम करना चाहिए था, बट क्या लिखा है फिफ्थ में, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अरे रे रे रे, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर नहीं हुआ, बरोबर है ना, चेक इशूड बट लिखा ही नहीं, सॉरी क्लियर नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया, चेक इशूड लिखना भूल गए, वापस ऊपर आ गया। अब रूल नंबर टू क्या है, चेक से रिलेटेड गलती होगी तो चेक क्लियर हो गया ऐसा समझो, चेक से रिलेटेड अगर गलती हो गई कैश बुक में तो चेक क्लियर हो गया समझ लो, चेक से रिलेटेड गलती हो गई कैश बुक में तो चेक क्लियर हो गया समझ लो, चेक क्लियर हो गया। ये कौन सा चेक था रे, इशूड या डिपॉजिटेड? इशूड, इशूड चेक क्लियर होता है, पासबुक कम। सो देखो बेटा ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशूड बट लिखना भूल गए, चेक क्लियर हो गया, आ गया न्यू पोजिशन, यस और नो, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड कर दो, क्लियर, 20-30% बहुत सारे करें, डोंट वरी, चिंता मत करना। चलो आगे, नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम 50, कैश मिला बट गलती से कहां लिख दिया, बैंक कॉलम में, किसके बैंक कॉलम में लिखा होगा हमने, कैश बुक के, हम कर रहे हैं ना, हम कहां करेंगे, कैश बुक हम कर रहे हैं। सो कैश मिला, कौन सा कॉलम बढ़ाना चाहिए था, कैश कॉलम, कैश मिला कौन सा कॉलम बढ़ाना चाहिए था, कैश कॉलम, उस गधे ने कौन सा कॉलम बढ़ा दिया, कैश बुक का बैंक कॉलम, यानी बीआरएस का राइट हैंड गलती से बढ़ा दिया, कैश मिला कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था, उसने बीआरएस का राइट हैंड बढ़ा दिया, अरे रे रे, आगे न्यू पोजीशन खत्म। समझ में आया क्या, यस और नो, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, जहां पहुंचना है उसको फिक्स करो, अब ये हिलेगा नहीं, ऊपर लो, कुछ था रे, लास्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक इन अनदर कस्टमर्स अकाउंट, अरे रे 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 रे, हमने कैश डिपॉजिट किया हमारे अकाउंट में और उन बैंक वालों ने, बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, धूम थ्री, आमिर खान ऐसी लिखता था ना हर जगह पे चोरी करने के बाद, यस और नो, सो हमने कैश डिपॉजिट किया, हमने कैश डिपॉजिट किया तो बोलो क्या एंट्री पास किया होगा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट यानी कैश बुक बढ़ा दिया हमने, बैंक डेबिट यानी कैश बुक बढ़ा दिया, यस और नो, बैंक डेबिट यानी कैश बुक बढ़ा दिया, और कैश डिपॉजिट किया तो तुरंत के तुरंत पासबुक भी बढ़ना चाहिए था, बट बैंक वालों ने हमारा पासबुक नहीं बढ़ाया, किसी और का बढ़ा दिया, हमारा पासबुक यहीं खड़ा है बेचारा, आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। अब सब भूल जाना, ट्रांजेक्शन वगैरह सब भूल जाओ, बच्चों के मन में अभी भी ट्रांजेक्शन ही चल रहा है थर्ड स्टेप में भी, सर वो, अरे बाबा थर्ड स्टेप पे आ गया तू, बोल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, पहुंचना कहाँ है, फिक्स करो, ऐड करो, खत्म। कुछ था क्या, ये लो कितना आ रहा आंसर निकाल लो, कुछ था इसमें, कितना है बेटा, 1270, सो कैश बुक बैलेंस था 1270, पासबुक वाला बैलेंस था 1000, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्यों थे, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इतने पॉइंट की वजह से, 6 पॉइंट की वजह से, क्लियर, एक 20-30% अंडरस्टैंडिंग पहुंची, 20-30% बीआरएस टॉपिक में, इट्स ओके, बाकी हम लोग रोज और प्रैक्टिस करेंगे, डन।
सिक्स पॉइंट वापस बताओ, कैश मिला था रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। कैश जब हमें मिलता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट। बोलो कैश अकाउंट डेबिट बीआरएस में आता है क्या? नो। कैश मिला तो कैश कॉलम में लेना था। ऋषिकेश हमारा अकाउंटेंट गधा था, उसने गलती से कहां पे ले लिया, बैंक कॉलम में। हाँ बेटा वापस बता रो, बैंक कॉलम में ले लिया मतलब बीआरएस टॉपिक का राइट हैंड बढ़ा दिया क्या? यस और नो? क्या बोला है बेटा? कैश मिला तो क्या करना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट। ये तो किया नहीं, गलती से क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी गलती से कैश बुक बढ़ा दिया, गलती से कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया। यस और नो? आ गया न्यू पोजीशन। अच्छा ये चेक से रिलेटेड गलती है या कैश रिलेटेड गलती है? कैश रिलेटेड। चेक रिलेटेड होती तो आप लोग क्या सोचते सर इसका इफेक्ट पासबुक में हो गया, बट ये चेक से रिलेटेड गलती थोड़ी है, ये तो कैश रिलेटेड गलती है। यस और नो? आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो, क्लियर, डन। एक बच्ची ने बोला सर हाउ टू आइडेंटिफाई स्टार्टिंग पॉइंट, कैसे पहचानते स्टार्टिंग पॉइंट? पुराने वाले लेक्चर में बताया था, क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पासबुक बैलेंस दिया है, कैशबुक पूछा है। अब पूछा कैशबुक है, दिया है पासबुक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, पासबुक, बराबर है, देन देन। डोंट वरी नागेंद्र, जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया 20-30% समझा आज का, इट्स ओके, वापस हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं, डन। चलो इतना कह के आज के छोटू से दो शब्द में समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, चिंता मत करना, डोंट वरी सारी चीजें वापस बताऊंगा। नागेंद्र डोंट वरी ब्रो, मिलेगा सारी चीजें बताऊंगा बेटा, है ना। लास्ट वाला पॉइंट वापस बताने का बोला एक बच्चा, कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन बैंक, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक इन अनदर कस्टमर अकाउंट। हमने कैश डिपॉजिट किया हमारे अकाउंट में, ए बाबा इधर ध्यान दे, हमने कैश डिपॉजिट किया हमारे अकाउंट में तो हमने क्या एंट्री पास की होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैशबुक हमने बढ़ाया होगा ना, कैशबुक यानी कैशबुक का बैंक कॉलम ना। जब हम लोग बैंक में कैश डिपॉजिट करते तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते, यानी कैशबुक के बैंक कॉलम को बढ़ाते, यानी बीआरएस के राइट हैंड को बढ़ाएंगे, बरोबर है क्या? लेकिन कैश डिपॉजिट किया तो तुरंत के तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पासबुक भी बढ़ जाता है। सो कैश डिपॉजिटेड, कैशबुक भी बढ़ जाता है, पासबुक बढ़ जाता है, बीआरएस में नहीं आता है। हमने देखो बीआरएस टॉपिक के पहले लेक्चर में बताया था ना, कैश डिपॉजिटेड कैशबुक पासबुक का बैलेंस सेम है, लेकिन बैंक वालों ने सेम किया ही नहीं, बैंक वालों ने हमारा अकाउंट ही नहीं बढ़ाया। हमने 200 रुपए डाले और हमें मैसेज ही चेक कर रहे, एटीएम में जाके देख रहे, 200 हमारे अकाउंट में आए नहीं, तो हमने तो बढ़ा दिया कैशबुक, लेकिन बैंक वालों ने पासबुक नहीं बढ़ाया, किसी और का कस्टमर का बढ़ा दिया, हमारा नहीं बढ़ा। ये आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। थर्ड से बैठ जाए स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो, डन, क्लियर है बेटा, पक्का, ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। अच्छा मास्क वगैरह पहन लिया करो बेटा, हाँ थोड़ा सा कोविड का वापस चल रहा है, डन, मास्क पहन के रखो।